अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने आर्टिकल देखना है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, द कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, ये दो कंपाउंड्स जो आपके पास पाए जाएं, दो हाइड्रोकार्बन मीन कंपाउंड के अंदर और हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो, और इसके अलावा इनसे अखज किए गए, इनसे ड्राइव किए गए जो कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके पास नेचुरली अक्रीन भी होते हैं, नेचुरली अक्रीन कंपाउंड्स भी होंगे, नेचुरली अक्रीन में अगर हम इनको देखते हैं तो दीज मे बी इन थाउजेंड्स, ये हजारों की तादाद में पाए जाते हैं। बट इसके बाद इन 1828 के बाद वुलर ने क्या किया, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉरेटरी में भी इसको प्रिपेयर किया, इनको तैयार किया, और लेबॉरेटरी में इनको इनकी जो तादाद है वो मिलियंस में है। हमने लेबॉरेटरी पे प्रिपेयर करने के बाद इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने मिलियंस में प्रिपेयर कर लिया है। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके आपकी डेली लाइफ के अंदर यूजेज हैं, ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पर्पसेस के लिए, मुख्तलिफ किस्म के कामों में आपको हेल्प आउट करती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजेस एस फूड, ये खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको, अगर आपको याद हो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये बेसिकली दो आपके पास लाइक एस, इसकी दो मेन जो सोर्सेज हैं, एक एनिमल्स है एंड द सेकंड प्लांट्स, और दूसरा जो मेन सोर्स है वो प्लांट है। अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो एनिमल्स से हासिल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास मीट हो गया, आपके पास एग्स हो गए, आपके पास चिकन हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके अलावा फैट्स जो मिल्क और बटर की फॉर्म में आपके पास मौजूद होगा, मिल्क एंड बटर फॉर्म में, यानी कि दूध और मक्खन की फॉर्म में आपके पास मौजूद होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्लांट से होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एज ए फूड इस्तेमाल होते हैं, इनमें डियर स्टूडेंट सबसे पहला जो आपके पास है, आपके पास प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में आपके पास ये जो हो गया, ये पल्सिस दालें हो गई, इसके अलावा आपके पास क्या कहते हैं, फैट्स हो गए, फैट्स में आपके पास आपके जो सनफ्लावर ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इसके अलावा आपके पास विटामिन्स हो गए, ठीक है। दीज ऑल आर द कंपाउंड, दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर यूज एज ए फूड, जो इंसान जो होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है डियर स्टूडेंट, वो एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद उसने जो दूसरा बताया हुआ है वो एज यूज एज क्लॉथिंग, मीन हमने इसको यूज करना है कपड़ों पहनने के लिए, या कपड़ों के तौर पर, ये जो अमूमन आप जो आप पहनते हैं कपड़े वगैरह, जो क्लॉथिंग आप करते हैं, जो आप पहनते हैं, या जो आपकी बेड शीट्स वगैरह, जो आपकी चादरें होती हैं, जो आपके ये घरों के खिड़कियों के पर्दे होते हैं, दीज आर आर प्रोड्यूस्ड बाय आर, ये भी बेसिकली ये आपके पास नेचुरल जो फाइबर, जैसा कि काटन हो गया, आपके पास सिल्क हो गया, आपके पास इस तरह की तमाम चीज़ें, या आपके पास वूल हो गया, ठीक है। दीज आर द फाइबर्स, ये नेचुरली फाइबर्स होते हैं, इनके ज़रिए आपके पास क्लॉथ्स वगैरह बनाए जाते हैं,
इनके अलावा आप क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स भी बनाते हैं, जैसे कि नाइलून वगैरह, दीज आर यूज्ड एज क्लॉथिंग। ये कॉटन से धागा बनेगा, सिल्क से धागा बनेगा, वूल से धागा बनेगा। इन धागों से, इन फाइबर से हम क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में पहनने के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद तीसरी बात उसने की है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजेस एज हाउसेस, ये घर बनाने वगैरह के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आपकी जो वुड होती है, वुड जिसे आप लकड़ी कहते हैं, डेट कुंटे हैं, ये सेलुलोज आपके पास, सेलुलोज डेट कुंटेन, सेलुलोज डेट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो सेलुलोज होता है, ये बेसिकली घरों का जो फर्नीचर वगैरह होता है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं भला, इसको इस्तेमाल करते हैं। हम पढ़ कह रहे हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जिसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसे एज ए फूड इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद दूसरा यूज एज क्लॉथिंग, हमने इसको क्लॉथिंग के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद फिर हमने हाउसेस के लिए इस्तेमाल किया। अब यूज एज फ्यूल, अब जो आपके पास फोर्थ वन है, यूज एज फ्यूल, हमने इसको बतौर ईंधन इस्तेमाल करना है। आप जानते हैं जितने भी पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, क्या बोला, पेट्रोकेमिकल्स, दीज पेट्रोकेमिकल्स आर, ये जो आपके पास पेट्रोकेमिकल्स हैं डियर स्टूडेंट, ये भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये आप जैसा कि पेट्रोल हो गया आपके पास, केरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, ये पेट्रोकेमिकल्स हैं। आप इनको क्या करते हो भला, फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हो। जबकि नेचुरल गैस डेट कंटेन मीथेन में भी 85%, जो नेचुरल गैस मीथेन जो होता है डियर स्टूडेंट, इसके अंदर आप 85% तक क्या होगा, मीथेन मौजूद होगा। ये अभी घरों के अंदर कुकिंग पर्पजेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग पर्पजेज के लिए भी हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मीथेन इज या नेचुरल गैस इज आल्सो आ, ये भी आपके पास क्या है भला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज ए फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर, गाड़ियां चलाने के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए, और घरों में कुकिंग पर्पजेज के लिए, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की जो मशीनरीज होती हैं डियर स्टूडेंट, उनको चलाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं आवर जनरली हम कहेंगे दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज एज फ्यूल, ये फ्यूल के तौर पर भी क्या होते हैं भला, इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद उसने बात की है यूजेस एज मेडिसिन, यूजेस एज मेडिसिन, हमने क्या करना है, इनको अद्वियात के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट। हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एज ए ड्रग्स इस्तेमाल होंगे, ड्रग्स इस्तेमाल होंगे, कुछ एज ए एंटीबायोटिक, एज ए एंटी बायोटिक इस्तेमाल होते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक, ये ऐसे आपके पास केमिकल्स होते हैं दैट इनहिबिट और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इनहिबिट द ग्रोथ, इनहिबिट ग्रोथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, या फिर ग्रोथ के अलावा, या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे जाकर क्या डिजीजेस या बीमारियों का मौजिब या बीमारियों की वजह ना बने। इसके बाद उसने बात की है कि हम क्या करते हैं, यूजेस एज रॉ मटेरियल, आपके पास छठा यूज क्या है वाला, यूजेस एज रॉ मटेरियल, हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर भी हम यूज करते हैं। बहुत सारे जो आपके पास जो केमिकल्स होते हैं, अदर केमिकल्स जिनमें लाइक आपके पास क्या हो गया, डाइज हो गए, आपके पास पेंट्स हो गए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इस तरह के और भी कई किस्म के जो कंपाउंड्स होते हैं, इंक हो गया, ड्रग हो गया, वार्निशेज हो गए, इंक होगी आपकी, ड्रग्स होंगी,
ठीक है, आपके और भी बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर भी हम क्या करते हैं भला, इन कंपाउंड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा क्या, हम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यूजेस को देख रहे थे कि जो आपने लेबॉरेटरी पर नेचुरली अक्रिंग आपके पास जिनकी तादाद मिलियंस के अंदर है, थाउजेंड्स के अंदर है, मिलियन थाउजेंड्स के अंदर है, उन कंपाउंड्स को प्रिपेयर, उन कंपाउंड्स को हमने यूज देखा कि किस तरह ये यूज होते हैं। तो सबसे पहला यूज डियर स्टूडेंट हमने देखा, दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ फूड, ये फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड एज फूड। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप इनके सोर्सेज को देखते हो तो बेसिकली टू सोर्सेज एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं। अब एनिमल से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं इंपॉर्टेंट, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एज प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, दीज कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है आपके पास, ये इन कंपाउंड्स को हम एज ए फूड इस्तेमाल करेंगे, एज ए खुराक इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद द सेकंड इज कार्ड यूज एज क्लॉथिंग, हम कपड़े वगैरह को लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, ये जो कपड़े आपने बेडशीट्स हो गई हैं आपकी, ठीक है, इनको कपड़े बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, इनमें काटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, दीज आर द सिंथेटिक, ये आपके पास नेचुरली अक्रिंग फाइबर्स हैं। इसके अलावा हमने क्या करना है, हमने जो आपके पास सिंथेटिक फाइबर्स हैं लाइक एस नाइलॉन वगैरह हो गया, इनके जरिए से भी हम क्लॉथिंग करते हैं, कपड़े वगैरह बुनते हैं, बनाते हैं। इसके बाद यूज एज फूड की बात की, बिकॉज वुड कंटेन द सेलुलोज, दीज आर द हाइड्रोकार्बन, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट, इन्हें आप पोली सैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, ये फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए घरों का, और ये जो खिड़कियां, अलमारियां और दरवाजे, जो डोर्स वगैरह होते हैं, जो फर्नीचर वगैरह होते हैं घर की आसाइश के लिए, वो बनाने के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमने बात की कि दीज कंपाउंड आर यूज एज फूड, इन्हें हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एज फ्यूल, फ्यूल ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक पेट्रोकेमिकल्स हो गए, ठीक है, ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं जिसमें आपके पास केरोसिन ऑयल आ जाएगा, जिसमें आपके पास क्या कहते हैं पेट्रोल आ जाएगा, इसके अलावा डीजल आ जाएगा, ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर यूज, ये जो कंपाउंड्स हैं डेयर स्टूडेंट, ये एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये ऑटोमोबाइल व्हीकल्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा नेचुरल गैस जिसे कुदरती गैस कहते हैं, दीज आर यूज एज द कुकिंग पर्पजेज, ये कुकिंग पर्पजेज के लिए इस्तेमाल होता है, और भी नेचुरल गैस लाइक इसमें CNG हो गया, और भी कई किस्म की जो LPG वगैरह ये गैसेस हो गई हैं, इनको हम मशीनरीज वगैरह को, जो इंडस्ट्रियल मशीनरीज वगैरह को चलाने के लिए भी हम क्या करते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद उसमें बात की जाए मेडिसिन, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है डेयर स्टूडेंट, इनको एज ए ड्रग्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, ये ऐसे एंटीबायोटिक के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड और केमिकल्स होते हैं जो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बीमारियां फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, मजीद आगे बढ़ने नहीं देता, या फिर उसको कंप्लीटली तौर पर किल कर देगा, मार देगा, तो ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ये एज ए आपके पास इस तरह मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके बाद उसने छठा बात के यूज एज रॉ मटेरियल, ये कंपाउंड रॉ मटेरियल्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बहुत सारे केमिकल लाइक डाइज हो गए, पेंट्स हो गए, इंक हो गया, ड्रग्स हो गया, वार्निशेस हो गए, इसके अलावा पेस्टिसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, जो मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए, उनको बनाने के लिए भी एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर क्या करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं।